हे गाइस, कैसे हो आप सब? सो गाइस, फाइनली बोल सकते हो 2.5 या फिफ्थ एनिवर्सरी का फर्स्ट इवेंट गेम के अंदर आ चुका है, जो कि आज हम लोग ये वीडियो में देखने वाले हैं। और उसके साथ साथ एक और चीज़ ऐड हुआ, ये आप देख पा रहे हो, पर्सनल आइलैंड। इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में समझता हूँ, उसके बाद मैं एक वीडियो बना दूंगा। कल का दिन आपको सुबह को ये वीडियो मिल जाएगा, पूरा डिटेल में आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसमें एग्जैक्टली आपको करना क्या है। तो आज पहले हम लोग इवेंट देख लेते हैं। सबसे पहले ग्लोबल वर्जन का इवेंट देखते हैं और उसके बाद हम लोग केआर वर्जन भी चेक करेंगे, उसमें अगर कोई इवेंट है तो एक साथ कवर कर दूंगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इवेंट में क्लिक करते हैं। इधर आप देख पाए एनिवर्सरी कार्निवल नाम का एक इवेंट आपको दिखाई दे रहा, जिसमें आप देख पा रही है इवेंट का टाइम पीरियड है 16th of March से लेकर 9th April तक ये इवेंट चलने वाला, जिसमें आपको परमानेंट एक आउटफिट मिलने वाला है और भी बहुत सारा चीज मिलेगा। तो गो में क्लिक करते, जैसे आप गो में क्लिक करोगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई दे रहा है। और आपको याद होगा मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बोला था कि आपको पुराना वाला वर्जन में ही एनिवर्सरी टोकन मिल रहा था, फिफ्थ एनिवर्सरी टोकन, और मैं आपको बोला था जितना हो सके कलेक्ट करके रखो, 16 तारीख को उसका रिडिम्पशन आ जाएगा। तो फाइनली 16 तारीख आज है और उसका रिडिम्पशन आ चुका है, और आज आपको पता चलेगा कि वो कॉइन कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आप देख पा रहे हो आपको डेली बेसिस मिलेगा, जो कि आप ये वाला रे रोबोट को क्लिक करके देख सकते हो। और इसमें अगर आप इवेंट शेयर करोगे तो आपको 5 एनिवर्सरी टोकन मिल जाएगा, जो कि पहले भी मिल रहा था। उसके साथ साथ 10 पॉइंट इधर से मिल जाएगा, उसके साथ साथ एक क्लासिक मोड खेलोगे तो आपको 15 एनिवर्सरी टोकन, उसके साथ साथ 20 पिंक वाला कॉइन मिलेगा। उसके साथ साथ अगर ट्रैवल करोगे तो आपको ये मिलेगा, और उसके बाद आप 10 यूसी स्पेंड करते हो तो आपको 20 और मिलेगा, ठीक है। तो ये डेली मिशन है, डेली मिशन रिफ्रेश होगा। उसके बाद जो मिशन देख पा रही है, ये डेली बेसिस नहीं होगा, ये वन टाइम इवेंट है, जिसमें आपको वर्ल्ड ऑफ वंडर वाओ में बहुत सारा मैप्स आया है उसमें आपको खेलना पड़ेगा, उसका भी एक अलग वीडियो आएगा। तो बहुत सारा वीडियो आना पेंडिंग है, धीरे धीरे आपको सब वीडियो देखने को मिलेगा। तो ये सब आप मिशन कंप्लीट कर सकते हैं वन टाइम है, और ये दोबारा रिफ्रेश नहीं होगा, और ये डेली बेसिस में रिफ्रेश होने वाला, पॉइंट मिलने वाला, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। आपने एक चीज नोटिस किया कि आपको दो तरह की करेंसी देखने को मिला, एक है फिफ्थ एनिवर्सरी करेंसी और एक आपको पिंक कलर का करेंसी दिखाई दे रहा। जैसे आप पिंक करेंसी जो था वो अगर 60 कलेक्ट करते हो तो आपको 50 AG करेंसी मिलेगा, 180 कलेक्ट करोगे तो आप देख पर ग्राफिटी मिल जाएगा फिफ्थ एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव, 450 कलेक्ट करोगे तो आपको एक सप्लाई कूपन मिल जाएगा, उसके साथ साथ 600 कलेक्ट करोगे तो वापस से आपको एक पॉपुलैरिटी मिल जाएगा फिफ्थ एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव, 200 बढ़ जाएगा, और अगर आप 1000 कॉइन जमा करते तो आपको एक क्लासिक कूपन मिल जाएगा। तो ये कॉइन का आपका यूज पता चल गया, ये जैसे जैसे कलेक्ट होते जाएगा तो ऑटोमेटिकली ये आपको मिलते जाएगा। उसके साथ साथ अभी आते सबसे मेन कॉइन में, जो कि पिछले 2.4 वर्जन से ही आपको मिलते हुए आ रहा, फाइनली उसका रिडिम्पशन आ चुका है। इधर हम लोग इवेंट शॉप में क्लिक करेंगे तो अभी आपको समझ में आ रहा है कि जो कॉइन आपने कलेक्ट किया वो अभी यूज होने वाला है। तो सबसे पहले आप देख पर ये लेजेंडरी आउटफिट आप ले सकते हो, एस्ट्रो कैडर सेट, और ये परमानेंट आइटम है, काफी अच्छा आउटफिट लग रहा है, ये आप परमानेंटली रख सकते हो। अगर आपका आउटफिट नहीं चाहिए, आपके पास बहुत आउटफिट है, तो आपको ये एनिवर्सरी एक्सक्लूसिव अवतार ले सकते हो। अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप ये टाइम लिमिटेड लिए ले सकते हो स्विंग वाला, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 150 कॉइन वेस्ट करने से अच्छा इसको मत लो। उसके बाद आप ले सकते हो वो है ये एनिवर्सरी लॉबी। तो इस बार भी आपको बोल सकते हो ऐसे नहीं मिलेगा, आपको अर्न करना होगा तभी जाके आप ये लॉबी ले सकते हो 200 पॉइंट में। आप 15 दिन के लिए केवल ले सकते हो, और ये दो बार आप रिडीम कर पाओगे 400 पॉइंट में। आप 30 दिन के लिए मैक्सिमम ये लॉबी को रख सकते हो। भाई एनिवर्सरी लॉबी खुद ब खुद दे दे भाई, इसके लिए भी अर्निंग करने बोल रहा है, तो 400 पॉइंट वेस्ट करना होगा तब जाके मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देख पाए एनिवर्सरी जो म्यूजिक होता है ना वो आप रख सकते हो, ये खरीद सकते हो 30 कॉइन से। उसके बाद देखें पॉपुलरिटी और एक ग्राफिटी आपको दिखाया था जो मैं आपको दिखाया था। उसके बाद आप सप्लाई स्क्रैप भी ले सकते हैं, वाउचर सब भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आउटफिट पे जाना, आउटफिट काफी अच्छा लग रहा है। और अगर आपका आउटफिट हो जाता है तो आप लॉबी में जा सकते हो, और ये सब तो टाइम लिमिटेड है, अवतार भी आप ले पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ चुका है। उसके बाद बाकी का जो चीज़ है ना वो कुछ कुछ चीज़ जैसे आप देख पा रहे हो साइन इन वाला, ये तो ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया था, कनेक्टेड है। और उसके बाद एक देख पर एनिवर्सरी कैप, ये अभी आया नहीं है, कुछ दिन बाद आएगा। उसके बाद देख पर नूसा टाइकून, तो ये जो आपने दिखाया ये वाला चीज़ ये मैं कल एक्सप्लेन करूँगा, ये चीज़ कनेक्टेड है इससे। उसके गो में क्लिक करेंगे, और एक है बैटल हैंडबुक फिफ्थ एनिवर्सरी, ये दो इवेंट अभी तक आया नहीं, जैसे आएगा तो इसको भी कवर कर देंगे। फिलहाल अभी आप इसको ऐसे क्लिक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप इसको शेयर भी करोगे तो आपको 10 पॉइंट मिल जाएगा इधर से, ठीक है, एक्स्ट्रा हो जाएगा। इधर आप देख पर 10 पॉइंट हम लोग को मिल चुका है। तो ऐसे ही है, बहुत ही सिंपल इवेंट, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। कल हम लोग वो वाला इवेंट देख लेंगे, अभी हम लोग पबजुमल केआर और जापान रीजन देखते हैं कुछ इवेंट आया है कि नहीं। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं जापान रीजन का इवेंट आपको दिखाई दे रहा है, जिसका टाइम पीरियड आप देख पा 16 से लेकर 10th April तक ये इवेंट चलने वाला है, जिसमें आप देख पा डे वन में लॉगिन करोगे तो 30 यूसी वाउचर मिलेगा, डे टू में लॉगिन करोगे तो आपको एक क्रेट मिल जाएगा, इसमें से कुछ भी रैंडम आइटम मिल सकता है, डे थ्री में लॉगिन करोगे तो आपको वापस से कॉइन मिल जाएगा। ये कॉइन
का यूज़ में दिखा दिया, इसमें भी वो इवेंट है एनिवर्सरी कार्निवल सेम टू सेम। उसके बाद आप देख पाए डे फोर में आपको वापस वो क्रेट मिलेगा, डे सिक्स में आपको कॉइन मिलेगा, डे सेवन में क्रेट, डे एट में वापस से वो चीज़ रिपीट होते जाएगा जैसे कि आप देख पा रहे हो। और टोटल डे 15 तक ये इवेंट आपको देखने को मिलेगा जिसमें आपको क्रेट मिलेगा, कॉइन मिलेगा और वाउचर मिलेगा जिसको आप यूज़ कर सकते हो। और एनिवर्सरी कार्निवल तो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, बाकी सब तो सेम टू सेम है। सो गाइस ये वीडियो इतना रखते, थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।